ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम करेंगे श्रीमद् भागवतम पहला खंड तीसरा अध्याय, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के विभिन्न अवतारों की। श्लोक संख्या 17। तो आप जानते हैं ये सुत गोस्वामी और नेमिषारण्य के सौनक इत्यादि ऋषियों के बीच में चर्चा चल रही है, जिसमें कि सुत गोस्वामी अब भगवान के कई सारे अवतारों के बारे में बता रहे हैं। हम लोगों ने अक्सर 10 अवतार सुने हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिक अवतारों की चर्चा होगी और उसके अंत में बताया जाएगा कि भगवान के जो अवतार हैं वो असंख्य हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता है। उनमें से कुछ अवतारों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 17। धन्वंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपायत सुरानन्या मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। बारहवें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। धन्वंतरी कौन है? जब समुद्र मंथन किया गया, हमने आपको कल कछुआ का अवतार बताया था कि किस प्रकार से मंदरांचल जो है जमीन में धंस रहा था, जब वासुकी की रस्सी से मंदरांचल पर्वत के द्वारा समुद्र का मंथन हो रहा था, तो पर्वत नीचे धंसने लगा तो भगवान नीचे आ गए और पर्वत को अपनी पीठ पे ले लिया। और जब वो पर्वत का मंथन हुआ तो ऐसा लगता था कि भगवान के पीठ में खुजली होगी। मंदरांचल पर्वत किसी की पीठ में पत्थर को भी घुमाया जाए अब पूरा मंदरांचल पर्वत था, जो कि इतना बड़ा था कि देवता भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। तो जब ये मंथन किस प्रकार से हुआ तो उसमें से कौन निकले? अंत में धन्वंतरी निकले, और धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश था। क्योंकि धन्वंतरी वही है जो आज की डेट में कई बार औषधि के बिजनेस जो करते हैं वो धन्वंतरी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये औषधि और इन सब के भगवान माने जाते हैं। ये भगवान के अवतार थे जो अमृत का कलश साथ में लेके आए थे, और बाद में उस अमृत के चक्कर में जो भी झगड़ा हुआ आप जानते हैं। और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया, और इस प्रकार से ये जो धन्वंतरी का अमृत था ये राक्षसों ने छीन लिया। और जब राक्षसों ने छीन लिया, असुरों ने छीन लिया, तो भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ी समस्या है, अगर इन्होंने अमृत पी लिया तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगवान तुरंत जो है मोहिनी रूप बन के आए, क्योंकि व्यक्ति भौतिक अट्रैक्शन में ही अपना सर्वनाश करता है। इस कथा से ये भी समझ में आता है कि किस प्रकार से एक स्त्री के चक्कर में अट्रैक्शन में आके उन्होंने अपने हाथ का अमृत खो दिया और वो सारा अमृत देवताओं ने पी लिया। तो इस प्रकार से ये लीला हुई। चतुर्दशम नारसिंह विप्र दैत्य इंद्र मूर्जितम ददार कर जेरूरावे रावे रकाम कटक कृतधत्ता। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह ने के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई बैंत को चीर देता है। बढ़ई को देखा ही आपने चीरते हुए, कारपेंटर कैसे चीर देता है एकदम से लकड़ी दो भागों में, वो उसको तो फिर भी दम लगता है। नरसिंह भगवान ने तो बड़ी आसानी से एकदम से उसका सारा शरीर को फाड़ दिया। तो नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए 14वें अवतार में, और प्रहलाद महाराज को सुरक्षा प्रदान करी, जो कि उनके अनन्य भक्त थे, एकदम डिपेंडेंट सरेंडर्ड उनके भक्त थे। और भगवान ने यहाँ फिर से दिखाया कि कैसे मैं हर जगह अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो सकता हूँ, कैसे मैं खंभे से भी प्रकट हो सकता हूँ, विग्रह की तो बात ही क्या करें। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होकर दिखाया, भगवान ने अपने भक्त की रक्षा का जिम्मेदारी निभाई, और भगवान ने ये दिखाया कि देवी देवता भी मुझे उतने प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्त प्रिय हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान का क्रोध समाप्त नहीं होता है हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद, लेकिन जब प्रहलाद उनके सामने आते हैं तो उनके अंदर एकदम से प्रेम उमड़ जाता है और वो प्रहलाद को चाटने लगते हैं उसी रूप में अपने पास लेके। तो इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं इस लीला से मिलती हैं। तो ये 14वें अवतार में नरसिंह भगवान आए। पंचदशम वामनकम कृत्वागा धद्वरम बले पदत्रम याचमाना प्रत्यादित्सु श्री इष्टपम। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इनका नाम क्या था? वामन। और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। बौने से बन के आए, मांगा भी उन्होंने 3 पद।
अब एक बौना जो है अगर बोले कि मुझे 3 पैर की जमीन दे दो, अब बौना कितना पैर चलेगा? हमारा पैर तो फिर भी कुछ जमीन ले लेगा 1-2 मीटर, लेकिन बौना कितना ले लेगा? तो उन्होंने क्या है, 3 पद मांगे, और किसके पास आए? बलि के पास आए। हाँ, ये भी भगवान का एक अनोखी लीला है। इस तरह से बलि का ऐसा लगता है कि बलि को लूटने आए, लेकिन बलि को लूट लूट के भी इतना कुछ दे दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि बलि ने अंत में उनको समर्पण कर दिया। इस प्रकार से भगवान दिखाते हैं कि यदि किसी भी स्टेज में भगवान को समर्पित किया जाए, जो बलि था वो इंद्र इत्यादि देवताओं को मारकर भगाकर स्वर्ग से स्वर्ग पे खुद अधिकार जमा चुका था। एक तरह से उसने भगवान की बनाई हुई सत्ता को, एडमिनिस्ट्रेशन को हिला दिया, भगा दिया और खुद राजा बन गया। एक तरह से भगवान का बहुत बड़ा द्वेषी बन गया। और देखिए भगवान उसी पर करुणा करते हैं, क्यों? क्योंकि उसने भगवान को पहचान लिया, और जब भगवान ने 2 पैरों में सारा संसार को नाप दिया तो 3रा पैर उसने अपने सर पे रखने को बोल दिया। और इस प्रकार से भगवान ने बलि को बंदी बना लिया, फिर भी वो शरणागति ही रहा। बलि का इतना समर्पण देखते हुए बलि के सारे अपराधों को भगवान ने क्षमा किया और बोला कि हे बलि, तुम इससे भी बड़ा राज्य चलाओगे। अपने लोअर प्लेनेटरी सिस्टम में उनको राजा बनाया, सुतल लोक में उनको राजा बनाया, और बोला कि मैं हमेशा तुम्हारा पहरेदार बन के रहूंगा। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। किसी भी स्टेज पे हमारे जीवन में हमने बहुत सारे पाप कर दिए होंगे अब तक, लेकिन यदि हम भगवान को समर्पित हो जाएं तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। बलि के एग्जाम्पल से साक्षात दिखता है कि भगवान ने उनको इतना बड़ी पोजीशन दे दी। और बाद में बोला कि इंद्र जो, ये जो इंद्र है इस वक्त, इस इंद्र की राज्य के बाद जो नेक्स्ट इंद्र बनेंगे वो आप ही बनोगे। तो इस वक्त जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर है, तो ये पुरंदर जी का राज्य समाप्त हो जाएगा। तो हे बलि, आप अभी तो आपने जोर जबरदस्ती से इंद्र बने थे, अब आपको फॉर्मली आपका राज्य अभिषेक किया जाएगा, आपको इंद्र बनाया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि उसने सर्वस्व त्याग दिया अपना। तो इस प्रकार से बहुत शिक्षाएं इस लीला से मिलती हैं। हमने देखा कि शुक्राचार्य उनको बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये विष्णु है, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें ठग रहा है। और बलि कहते हैं कि अगर ये विष्णु है तो सब कुछ इन्हीं का तो है, इनके द्वारा तो ठगा जाना भी बेहतर है। उन्होंने दिखाया कि यदि हमारा गुरु हमें भगवान के पास जाने से मना करे तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है, गुरु का पर्पज यही है कि वो भगवान से कनेक्शन बनाए। यदि गुरु भगवान से ही दूर कर दे, जैसा कि आजकल हो रहा है समाज में, तो ऐसे गुरु का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। जो गुरु भगवान से कनेक्शन नहीं बनाए वो गुरु गुरु नहीं है, वो तो कोई टीचर है, जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं। जो भगवान से कनेक्ट कराए वास्तविक गुरु तो वही है। तो उन्होंने शुक्राचार्य को भी त्याग दिया। तो बहुत कुछ लीलाएं इसमें हुई वामन अवतार में। तो ये थे 15वें अवतार। उसके बाद अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्म दुर्हो निर्पान त्रि सप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रा मकरोन महीम। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, परशुराम रूप में, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो ये कहानी भी भागवत में हम आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों की पोजीशन को भूल गए थे। ब्राह्मण देखने में अगेन मैटीरियल स्टैंडर्ड से वो कम दिखेंगे, वो इतने ऑपुलेंट नहीं दिखेंगे, साधारण वस्त्र होंगे, लेकिन उनको साधारण मानने की गलती ना करें, क्योंकि वो समाज के मस्तक हैं, हेड हैं। हेड मतलब डायरेक्शन देने वाले हैं, जैसे हमारा सर जो है पूरे शरीर को डायरेक्शन देता है, उसी तरह से इस समाज में सारी डायरेक्शन मिलती है ब्राह्मणों से। यदि उनका सत्कार नहीं होगा, उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तो बहुत बड़ा अपराध होगा, समाज समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी ही कुछ गलती हुई थी जब उनके पिता को मार दिया गया। जो भी उनके पास संपत्ति थी, गाय थी, या उसकी वजह से उनको उनके पिता की हत्या कर दी गई। और बाद में जब उन्होंने देखा कि कई सारे ऐसे क्षत्रिय हो गए हैं, वो पनप रहे हैं, जो ब्राह्मणों को नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने 21 बार ऐसे क्षत्रियों का समाप्त सफाया किया। ऐसे क्षत्रियों के सबका नहीं किया था, उनके कुछ रूल्स थे, कुछ नियम थे, जैसे राजा दशरथ भी उसी समय के क्षत्रिय हैं, लेकिन उनका संहार नहीं हुआ था। तो कुछ नियम थे, कुछ उनके अपने कायदे कानून थे, ऐसा नहीं था उन्होंने सभी क्षत्रियों को मार दिया था। जो क्षत्रिय ऐसे दुष्ट थे जो ब्राह्मणों को नहीं मानते थे, ऐसे क्षत्रियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे क्षत्रिय यदि इस राज्य चलाएंगे तो संसार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्षत्रियों को हमेशा ब्राह्मणों की डायरेक्शन पर राज्य चलाना चाहिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य पंडित के आधार पर किया।
ऐसा राज्य बहुत अच्छा चलता है, तो इसलिए उन्होंने इस रूप में क्षत्रियों का संहार किया। अगला अवतार, तथा सप्तदशे जाता सत्ववत्याम पराशरात चक्रे वेद तरोशाखा दृष्ट्वाम पुंसो अल्पमेधसा। तत्पश्चात सत्रहवें अवतार में भगवान पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। तो व्यास देव क्या है? भगवान के अवतार हैं। कई लोग कहते हैं ये शास्त्र हैं जो किसी मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, मैन मेड हैं। मैं कहता हूं अगर ये मैन मेड हैं तो इसमें इतनी सीक्रेट बातें कैसे लिखी हैं, जो कि आगे आप सुनेंगे, अभी थोड़ी देर में आप सुनना क्या क्या इसमें आएगा। इसी ग्रंथ में कैसे कैसे अवतार के बारे में बताया जाएगा, जो अवतार उस वक्त हुए भी नहीं थे, जो अवतार अब हो रहे हैं या अब होंगे उनके बारे में पहले बताया गया है। तो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, हम जानते हैं व्यासदेव। तो व्यासदेव के रूप में कौन थे? पराशर मुनि के पुत्र थे, सत्यवती के गर्भ से आए। उन्होंने यह देखकर कि जन समाज ने अल्पज्ञ है, कम बुद्धि वाला है, खासतौर पर कलयुग में, तो उन्होंने क्या किया, एक वेद को अनेक शाखाओं में बांट दिया, डिवाइड किया, डिवीजन कैटेगराइज कर दिया। यदि अथर्ववेद है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इसमें अलग अलग लाइन ऑफ नॉलेज है, इसको अलग अलग पढ़िए, इसको अलग अलग एनालाइज कीजिए। उन्होंने वेदों की खूब डिटेलिंग करी, और जब वेदों की डिटेलिंग करके भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, तो उनके गुरु नारद मुनि ने उनको बताया कि आपको श्रीमद् भागवत लिखनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है, जीवन के असली पर्पज के बारे में बताया गया है। वेदों में तो फिर भी कर्म कांड आ जाते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जैसे हम एक बच्चे को दवाई कई बार केले के अंदर डाल के देते हैं, उसी तरह से वेदों में भगवान की भक्ति को आसपास के केले के अंदर भक्ति डाल के दी गई है। यानी कि कई कर्म कांड बताए जिसमें हम नेचुरली इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि आज की डेट में भी अगर हम आपको बताएं कि कोरोना का जो है कौन ठीक हो सकता है कोरोना, अगर ये न्यूज़ फैला दी जाए कि जो व्यक्ति 3:30 बजे उठ के सवेरे भगवान के नाम का जप करेगा, 100% डॉक्टर अगर कोई बोलते हैं उसका कोरोना नहीं होगा, तो आई एम श्योर कल ही से सारा संसार हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लग जाएगा। इसको कहते हैं कर्मकांड। वेद इस तरह से बनाए गए हैं क्योंकि आदमी डायरेक्टली भक्ति के बारे में जानना नहीं चाहता है, वो हर चीज़ में अपना भौतिक फायदा देखता है ना, और इस तरह से उसको कुछ भौतिक फायदे के साथ आध्यात्मिक फायदा दे दिया जाए तो उसको करने को तैयार हो जाता है। तो वेद में इसलिए अलंकारमयी भाषा है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि ये करो ताकि उसकी श्रद्धा धीरे धीरे इस तरफ को आए। हाँ, तो यही पर्पज है। लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, जिसको शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है उसके लिए तो ये सही नहीं है ना। शुद्ध भक्ति तो केवल अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब देर इज नो डिजायर, देर इज नो अदर मेटीरियल बेनिफिट, कोई और बेनिफिट चाहिए नहीं, अनमोटिवेटेड, उसके लिए उसको भागवतम पढ़ना आवश्यक है जो कि अनमोटिवेटेड बिल्कुल शुद्ध ज्ञान देगी। तो उसके बाद नारद मुनि के कहने पर उन्होंने इस भागवतम की रचना करी जो हम पढ़ते हैं। तो इसलिए वेद व्यास जो थे वो कौन थे? भगवान के स्वयं अवतार थे जिनके बारे में हम सुनते हैं, और उन्होंने इतना वैदिक साहित्य को लिखा और उसके बाद में श्रीमद् भागवत हमें दी जो हम पढ़ रहे हैं, जो सारे वेदों का निचोड़ है, सारे वेदों का निचोड़ है। इस प्रकार से ऐसे वेद व्यास जी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।